हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत ही अहम जानकारी लेकर आया हूँ। दोस्तों, हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो यह जानने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि अगर अपना पैसा लगाना है और बचत करना है तो किस योजना में बचत करें, कहाँ अपना पैसा लगाएं, क्या म्यूचुअल फंड में लगाएं, शेयर मार्केट में लगाएं, बैंक में FD करें, या डाकघर की बचत योजनाओं में लगाएं, या LIC में जमा करें। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका जो है आंसर आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों, मैं किसी पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई बीमा एजेंट नहीं हूँ। सबसे पहले तो आप लोग अपने माइंड में ये बात बना लीजिए कि मैं कोई बीमा नहीं बेच रहा हूँ, ना ही मैं कोई बचत योजना बेच रहा हूँ। मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूँ कि आप अपना जो है निवेश कहाँ करें और क्यों करें, कहाँ पर आपको ज़्यादा फायदा होगा और कहाँ पर आपको कम फायदा होगा। ठीक है, इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक सुझाव दे रहा हूँ। एक बार फिर से कह रहा हूँ कि ये कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ मेरा एक सुझाव है। और आज का मेरा टॉपिक है डाकघर की बचत योजनाएं। आप सभी को पता है कि डाकघर की जो बचत योजनाएं हैं वो सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। किसी भी बैंक में, किसी भी जो है इंश्योरेंस कंपनी में, किसी भी चिट फंड कंपनी में, किसी भी बीमा कंपनी में आपको इतना लाभ नहीं मिलेगा जितना डाकघर की बचत योजनाओं में मिलेगा। तो मैं आपके लिए लाया हूँ, आपके लिए प्रिफर कर रहा हूँ कि अगर आपको निवेश करना है, बचत करना है, तो डाकघर की बचत योजनाओं में बचत करें। जितना ज़्यादा निवेश करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि डाकघर की बचत योजनाओं में जो ब्याज दर है वो बैंकों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। तो आइए हम आपको बताते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से। और एक आग्रह है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस सुझाव का लाभ उठा सकें। तो मित्रों, आदत डालिए डाकघर की बचत योजनाओं में सेविंग करने का। आइए हम वीडियो को विस्तार से देखते हैं। हाँ तो मित्रों, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में डाकघर निवेश योजनाएं क्या-क्या हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो डाकघर में चल रही हैं। पहला है डाकघर बचत खाता, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। फिर है 5 वर्ष डाकघर आवर्ती जमा खाता, रिकरिंग डिपॉजिट। फिर तीसरा है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट, टाइम डिपॉजिट TD। चौथा है डाकघर मासिक आय योजना खाता, MIS। पांचवा है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS। अगला है 15 वर्षीय सार्वजनिक भविष्य निधि खाता, PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें हम सभी लोग जो है चाहते हैं अपना बचाना और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वृद्धावस्था में पैसा इकट्ठा करने के लिए, अपने बुढ़ापे की लाठी खड़ी करने के लिए PPF बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अगला किसान विकास पत्र, KVP। और नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम, जिसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो ये 9 स्कीम हैं जो डाकघर में चल रही हैं। अब आपको चुनना है कि आप किस स्कीम में पैसा बचाना चाहते हैं। आइए अब हम कुछ अपडेट दिखाते हैं आपको। डाकघर बचत योजनाएं, 9 निवेश योजनाएं, इस समय डाकघर में 9 निवेश योजनाएं चल रही हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। डाकघर की लघु बचत योजनाएं भारत में बहुत लोकप्रिय हैं, क्योंकि लोग पसंद करते हैं निवेश, भारत सरकार द्वारा समर्थित उपकरणों में पैसा। ये ऐसी योजनाएं हैं जिनका उद्देश्य गारंटेड रिटर्न के साथ सुरक्षित निवेश प्रदान करना है। निवेशकों के बीच
बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए ये डाकघर योजनाएं शुरू की गई हैं। डाकघर बचत योजनाओं में एक बाल्टी शामिल है जो ऐसे उत्पाद हैं जो जोखिम मुक्त रिटर्न और अच्छी ब्याज दर प्रदान करते हैं। कि ब्याज दरें छोटी बचत योजनाएं सरकार द्वारा हर तिमाही का फैसला किया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी 9 डाकघर बचत योजनाओं की जांच करें और देखें कि आपको किसमें अपना पैसा निवेश करना है। भारत में डाकघर निवेश योजनाएं, डाकघर बचत खाता POSA पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। इस बचत खाता डाकघर में बैंक खाते की तरह काम करता है, जिसे आप किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में खोलते हैं। डाकघर बचत खाता किसी व्यक्ति या संयुक्त खाते पर 4% की ब्याज दर प्रदान करता है। बचत जमा पर ब्याज दरें हर जून तिमाही के बाद बदलती रहती हैं। बचत जमा पर ब्याज दरें हर जून तिमाही के बाद बदलती रहती हैं। एक सामान्य बैंक खाते की तरह एक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट चेकबुक सुविधा के साथ नहीं आता है। इस खाते में INR 10,000 तक की ब्याज राशि को धारा 80 TTA के तहत कर से छूट दी गई है। खाते में INR 500 का न्यूनतम संतुलन बनाए रखा जाना है, यानी आपके खाते में कम 500 रुपये हमेशा रहना चाहिए। दूसरा है 5 वर्ष डाकघर आवर्ती जमा खाता RD अकाउंट, जिसे हर महीने आपको कुछ निश्चित राशि जमा करनी पड़ती है। यह खाता 6.9% की ब्याज दर प्रदान करता है, त्रैमासिक मिश्रित। इस खाते में कोई अधिकतम जमा राशि नहीं है। पोस्ट ऑफिस RD खाता एक नाबालिग के नाम से खोला जा सकता है और 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के नाबालिग खाता खोल और संचालित कर सकते हैं। 1 वर्ष के बाद शेष राशि के 50% तक की निकासी की अनुमति है, यानी आपने अगर RD खाता खुला लिया है तो 1 वर्ष के बाद 50% राशि आप जरूरत पड़ने पर उसमें से निकाल सकते हैं। तीसरा है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट TD। वर्तमान में सावधि जमा TD के लिए ब्याज दर 6.6 प्रतिवर्ष है। इस खाते में 5 वर्ष से कम का निवेश TD के तहत कर लाभ के लिए योग्य है। धारा 80C का आयकर अधिनियम 1961 इस योजना में अधिकतम जमा सीमा नहीं है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट के तहत ब्याज दर सालाना देय है, लेकिन इसकी गणना त्रैमासिक रूप से की जाती है। देखिए, ये ब्याज दर का बता रहा है यहाँ पर, क्या है ब्याज दर, अवधि और ब्याज दर। 1 वर्ष का खाता 6.6%, 2 साल का खाता 6.7%, 3 साल का हिसाब 6.9% और 5 साल का हिसाब है 7.4%। इस रेट से ब्याज मिलता है। फिर अगला है डाकघर मासिक आय योजना खाता MIS, मंथली इनकम स्कीम। पोस्ट ऑफिस MIS में एक व्यक्ति एक विशेष राशि का निवेश करता है और ब्याज के रूप में एक सुनिश्चित मासिक आय प्राप्त करता है। इस योजना के तहत मासिक आधार पर देय ब्याज जमा की तारीख से शुरू आपके डाकघर बचत खाते में जमा किया जाता है। पोस्ट ऑफिस MIS खाते पर वर्तमान ब्याज दर 7.3% है, देय मासिक, यानी हर महीने देय है। इस योजना में निवेश करने के लिए कोई आयकर लाभ उपलब्ध नहीं है। पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट CAB को समय से पहले 1 साल के बाद बंद कर दिया जाए। हालांकि 1 साल से 3 साल के बीच खाता बंद करने पर 2% की कटौती राशि ली जाएगी और 3 साल बाद 1% की कटौती की जाएगी। अब आप देखिए योजनाएं 2017-18 की क्या थी। डाकघर बचत खाता 4%, 5 वर्ष डाकघर आवर्ती जमा लेखा 6.9%, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट 6.6%, डाकघर मासिक आय योजना खाता 7.3%, 5 वर्ष वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 8.3%, 15 वर्षीय सार्वजनिक भविष्य निधि खाता यानी PPF 7.6%,
राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र 7.6%, किसान विकास पत्र 7.3% और सुकन्या समृद्धि योजना जो सबसे पॉपुलर योजना है वो है 8.1%। लेकिन वर्तमान में मित्रों इनकी जो ब्याज रेट है थोड़ा सा कम हुई है, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई, थोड़ा थोड़ा ही कम हुई है। तो आप वर्तमान में भी देख सकते हैं और जाके पता कर सकते हैं कि वर्तमान में किसी भी प्रकार का जो है जो बचत खाता है उसमें ब्याज दर क्या है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आपको सजेस्ट करता हूँ कि यदि आप निवेश करना चाहते हैं, पैसा बचाना चाहते हैं और रखना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में अपना जो है अकाउंट खुलवा लीजिए और पोस्ट ऑफिस में निवेश कीजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की जो है जो ब्याज दरें हैं वो बैंक की अपेक्षा हमेशा ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं। कुछ और योजनाएं हैं, इनके बारे में भी मैं आपसे बात कर लूँ। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यह भारत के वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित विशेष योजना है। यह योजना 2017 से प्रतिवर्ष 8.3% की ब्याज दर प्राप्त कर रही है। एक व्यक्ति जो 60 वर्ष से अधिक का है और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता खोल सकता है। SC/SS की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है और योजना में अधिकतम राशि 15 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना की ब्याज दर सरकार द्वारा हर जून तिमाही के बाद बरकरार रखी जाती है। वरिष्ठ नागरिकों की योजना पर ब्याज दर त्रैमासिक भुगतान की जाती है। इस योजना में निवेश राशि धारा 80C के तहत काटी जाएगी और अर्जित ब्याज कर योग्य है और साथ ही TDS के अधीन है। फिर अगला है 15 वर्षीय सार्वजनिक भविष्य निधि खाता, PPF जिसे कहते हैं। सार्वजनिक भविष्य निधि के लिए लोकप्रिय बचत योजनाओं में से एक है निवृत्ति जमा पूंजी। यहाँ निवेशकों को आयकर उपचार के संदर्भ में EEE छूट स्थित का लाभ मिलता है। वित्तीय वर्ष में INR 1.5 लाख तक के सार्वजनिक भविष्य निधि में योगदान आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए पात्र है। इसके अलावा निवेशकों को एक ऋण सुविधा मिलती है और यह आंशिक निकासी भी कर सकता है। वर्तमान में ब्याज दरों के लिए पेशकश की PPF खाता 7.6% प्रतिवर्ष है। PPF खाते 15 साल की परिपक्वता अवधि के साथ आते हैं। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय बचत पत्र NSC। यह योजना भारत सरकार द्वारा भारतीयों में बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के लिए न्यूनतम निवेश राशि ₹100 है और अधिकतम निवेश राशि नहीं है कि ब्याज दर NSC हर साल बदलता है। वित्त वर्ष 17-18 के लिए NSC की ब्याज दर 7.6% है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख की कर कटौती का दावा कर सकता है। केवल भारत के निवासी इस योजना में निवेश करने के लिए पात्र हैं और इसमें वर्तमान में जो है इसकी जो दर है वो 6.8% है। फिर अगला है सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम SSYC, जो कि इस समय की सबसे लोकप्रिय जो है योजना है। अगर किसी के पास गर्ल चाइल्ड है, बेटी है, तो उसके लिए यह योजना बहुत ही लाभदायी है। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य माता पिता को अपनी बेटियों के लिए भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना था। यह योजना वर्ष 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई थी। यह योजना नाबालिग बालिकाओं की ओर लक्षित है। SSY खाता उसके जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु से पहले किसी भी समय लड़की के नाम से खोला जा सकता है। इस योजना के लिए न्यूनतम निवेश राशि जो है 1000 है और अधिकतम 1.5 लाख तक प्रतिवर्ष है। यह योजना उद्घाटन की तारीख से 21 वर्षों के लिए संचालित है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो मेरा पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।